अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हसनैन, आज आपको ये बहुत खुशहाल फैमिली थी जिनमें आपस में बहुत प्यार था। दोस्तों, इस फैमिली का जिक्र मैं आपको यूं करूंगा कि दोस्तों, डरावना घर था, क्योंकि दोस्तों ये घर इन्होंने जिस शख्स से खरीदा था उन्होंने इसे बहुत सस्ते दामों में बेचा। वो इसलिए क्योंकि इस घर में जिन्नात वगैरह थे और डर के मारे उसने ये कम कीमत में घर बेचा। दोस्तों, इन लोगों को इस घर में आए तकरीबन कुछ दिन ही हुए थे जब तक ये हंसी खुंसी अपने घर में रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, कुछ अर्से बाद इन्हें कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कभी किसी को सुनाई देती हैं तो कभी किसी को, लेकिन जब वो एक दूसरे को बताते थे तब कोई यकीन करता था और कोई नहीं। कोई ये कहता था कि जिन्नात भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तो कोई यकीन करके उसका साथ दे रहा था। दोस्तों, इनमें से तकरीबन सब लोग ये मान चुके थे कि उस घर में जिन्नात वगैरह हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का, एक आदमी नहीं मान रहा था कि इस घर में जिन्नात वगैरह हैं। दोस्तों, एक दिन उस लड़के के साथ क्या हादसा हुआ कि रात का वक्त था, वो अपने कमरे से उठा, अचानक प्यास लगी, उसने अपने बेड के पास पड़े जग में देखा, वहां उसमें पानी नहीं था। दोस्तों, पानी पीने के लिए नीचे हाल में गया, डाइनिंग टेबल पर पड़े जग में से जब वो पानी पीने लगा तब उसने अचानक अपने सामने एक बदरूह को देखा। नहायत गुस्से से इसकी तरफ देख रही थी। दोस्तों, जब इस शख्स ने उस बदरूह को देखा तब ये समझा कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है और मुझसे मजाक कर रहा है, तो इसने उस अपने घर वालों का नाम लेकर
कहा कि उस बदरू ने उसे तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो बदरू अचानक उसके सामने आई और तब वह शख्स जरा खौफ ज्यादा हुआ। और डरने लगा, डर के मारे उसकी हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि अब उसने एक असली बदरूह को देखा था जो कि उसके सामने ही खड़ी थी। दोस्त डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, मगर भाग न सका। दोस्तों जब वो अपने कमरे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था तो अचानक बदरू ने उसे पीछे से पकड़ा और उसे हवा में उठाया, लेकिन उसे तब कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब वो चिल्लाने लगा तो चिल्ला न सका, क्योंकि जब वह चिल्लाने लगा तो उस पत्रों ने अपने खोंखार लंबे नाखून उसके जिस्म की आर पार कर दिए, जिसकी वजह से वो ना बच सका और अपने इस बेवकूफी में अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों इस वाक्य के बाद उसके घर वाले उस घर को छोड़कर निकल पड़े और वहां से किसी ऐसी जगह जहां पर जाकर रहने लगे जहां पर उन्हें किसी ऐसी चीज का वहमो गुमान भी ना हो।